करेंगे हम कार्य पत्रक 56, 57, 58, 59, 60 जो कि 2023 और 24 की कार्य पुस्तिका का है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 56। अवनी ने बाजार से 425 रुपये में घड़ी खरीदी और 250 रुपये में टॉर्च खरीदी, उसने कुल कितने रुपये का सामान खरीदारी की? 425 में हमें जोड़ना है 250, पुलिस ने 675 रुपये की खरीदारी की। अगला प्रश्न है, सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए और उनमें से 455 दीपक बेच दिए, बताओ उनके पास कितने दीपक रहे? 567 कुल बनाए, 455 बेच दिए, बाकी निकालेंगे 212 दीपक बचे। प्रश्न नंबर 3, बस में 15 यात्री सफर कर रहे थे, अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए और 7 यात्री चढ़ गए, तो बताएं बस में कितने यात्री सफर कर रहे थे? पहले 15 कर रहे थे, 3 उतर गए, 12 बचे, फिर 12 में 7 और चढ़ गए, तो 12 और 7 कुल 19 यात्री बस में हैं। राम ने फसल की बुआई के समय 580 रुपये में चने के बीज, 430 रुपये में मटर के बीज खरीदे, तो बताओ उसने कुल कितना खर्च किया? तो 580 प्लस 430 जीरो 8 3 11 के एक असल का 1010 रुपये खर्च किए। प्रश्न नंबर 5, करुणा ने 230 पेज की किताब 175 पेज पढ़ लिए, तो बताइए उसे अब कितने पेज पढ़ने शेष हैं? 320 की किताब थी, 175 पढ़ लिए, 10 में से 5 गए, 5 एक रहा या 11 हो गए, 11 में से 7 गए, 4 और 2 में से 1 गया, 145 पेज शेष है। प्रश्न नंबर 6, संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर दूर चलता है, 250 मीटर चलने के बाद हैंडपंप पर पानी पीने रुक जाता है, उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलना है? तो 720 में से 250 बाकी निकालना है। चार सौ 70 मीटर और चलना है इसको। प्रश्न नंबर 7, दो ट्रकों में 430 गेहूं की बोरियां लाई जा रही हैं, यदि एक ट्रक में 205 बोरियां हैं तो दूसरे ट्रक में कितनी बोरियां हैं? दोनों में है 430, एक में है 205, तो दूसरे में होगी 225 बोरियां। ये था कार्यपत्रक 56। आकलन 6, 560 में बाकी निकालेंगे 100 का, तो सही हल होगा, 560 में 100 गए तो यहाँ बचेंगे 460, 460 में आप राइट लगाएं। 336 प्लस 12, तो यहाँ बॉक्स में हम क्या लिखें, तो इधर 60 आ जाएं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 336 और 124 को, 6 और 4 0 का 0, 6 2 और 3 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 460 आ जाएगा, तो इसमें बॉक्स में हम 4 लिखेंगे दोनों जगह। प्रश्न नंबर 3, संख्या 595 को लिख सकते हैं हम, 595 को लिख सकते हैं, 600 में 5 कम, संख्या 500 प्लस 80 प्लस 7 किस संख्या का विस्तारित रूप है? ये होगा 587, इसमें राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 5,
पीयूष की गणित की कार्यपुस्तिका में 178 कार्यपत्रक हैं। अब वह निवासी कार्यपत्रक पूरा कर चुका, तो बताइए कितने कार्यपत्रक शेष है। 178 में हम बाकी निकालेंगे निवासी का। 18 में 9 गए 9, 16 में 8 गए 8, तो अब इसके पास निवासी कार्यपत्रक और शेष है। सोन के परिवार ने 628 दीपक बनाए, उसमें से 488 दीपक बेच दिए, तो बताइए उसके पास कितने दीपक है। बनाए थे इसने 628, बेच दिए 488, बाकी निकालेंगे। 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 4 गए 1, 140 दीपक शेष हैं इसके पास। प्रश्न नंबर 7, एक बॉक्स में 849 आम हैं, तो इसमें से 230 खराब हो गए, तो बॉक्स में कितने बचे हैं। 849 में से 230 खराब हो गए, तो बचे हैं यहाँ 919 आम शेष बचे हैं यहाँ। ये था आकलन 6। कार्यपत्रक 57, रिक्तस्थान की पूर्ति करें। पर्दे में, इस पर्दे में पर कुल कितने फूल हैं, फूल गिनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें भी हैं, 5, 5 को 5 से गुणा किया 25 फूल हैं। कुल कितनी बोतलें हैं गिननी है हमें। 1, 2, 3, 4 एक लाइन में 4 हैं, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 × 4 बराबर 24 बोतल। इस ट्रे में कितने अंडे हैं, एक लाइन में है 3 × 3, 6 इधर है 3 × 2, 5 6 × 5 यहाँ 6 × 4 था, 6 × 5 = 30 अंडे। हल करें, 8 + 8 + 8 बराबर 16, और 8 को 3 बार गुणा किया तो भी 16, 3 को 5 बार जोड़ा 15, या 5 को 3 से गुणा किया तो भी 15 आएगा। 30 को 3 बार जोड़ा 90, 30 को 3 से गुणा किया 90, 7 को 6 बार जोड़ा या 7 को 6 से गुणा किया 7 × 42, 12 को 4 बार जोड़ा या 12 को 4 से गुणा किया 12 × 48, 6 को 3 से गुणा किया 18। प्रश्न नंबर 3, रामू बिस्किट के 4 पैकेट लेकर आया, हर पैकेट में 4 बिस्कुट थे, रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे। 4 पैकेट लाया, हर बिस्कुट के पैकेट में 4 बिस्कुट थे, तो कुल बिस्किट हो गए 4 × 16 बिस्कुट। ये था कार्यपत्रक 57। कार्यपत्रक 58, बार बार जोड़कर आप 2, 3, 4, 5 और 10 का पहाड़ा लिखें। 2 का पहाड़ा लिखेंगे हम, 2, 2 + 2 = 4, 2 + 2 + 2 = 6, इसी प्रकार 2 को 4 बार जोड़ेंगे, 2 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2, या आप 2 को 5 से गुणा कर दो, 2 × 5 = 10, 2 5 बार है, यह आएगा 2 × 6 = 12, 2 आएगा यहाँ 7 × 14, 2 आएगा 8 × 16, 2 आएगा यहाँ 9 × 18, 2 आएगा यहाँ 10 × 20। इसी प्रकार 4 का पहाड़ा बनाएंगे, 4 का 4, 4 आएगा यहाँ 2 × 8, 4 आएगा 3 × 12, 4 आएगा 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 आएगा 7 × 28, 4 आएगा 8 × 32, 4 आएगा 9 × 36, 4 आएगा 10 × 40।
पांच का बाड़ा बनाते हैं, पांच एक बार, पांच पांच दो बार आएगा दस, पांच तीन बार पंद्रह, पांच आएगा चार बार बीस, पांच पांच बार पच्चीस, पांच छः बार तीस, पांच सात बार पैंतीस, पांच आठ बार चालीस, पांच नौ बार पैंतालीस, पांच आएगा दस बार पचास। इस प्रकार दस का पाड़ा बनाएंगे, दस आएगा एक बार दस, दस आएगा दो बार बीस, दस तीन बार तीस, दस चार बार चालीस, दस पांच बार पचास, दस आएगा छः बार साठ, दस आएगा सात बार सत्तर, दस आठ बार अस्सी, दस आएगा नौ बार नब्बे, और दस आएगा दस बार सौ। प्रश्न नंबर दो, दस एवं तीन का पहाड़ा लेकर उनके जोड़ द्वारा तेरह का पहाड़ा बनाइए। तो दस और तीन का पहाड़ा यहाँ लिख रखा है, दस का है दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, सौ। तीन का पहाड़ा तीन, छः, नौ, बारह, पंद्रह, अट्ठारह, इक्कीस, चौबीस और तीस। अब इसको जोड़ेंगे, दस और तीन तेरह, तेरह का पहाड़ा बन गया है यहाँ तेरह, बीस और छः छब्बीस, तीस और नौ उनचालीस, चालीस और बारह बावन, पचास और पंद्रह पैंसठ, साठ और अठारह अठहत्तर, सत्तर और इक्कीस इक्यानवे, अस्सी और चौबीस एक सौ चार, नब्बे और सत्ताईस एक सौ सत्रह, सौ और तीस एक सौ तीस। प्रश्न नंबर तीन, इस प्रकार आप भी तेरह व नौ का पहाड़ा लिखकर घटाव करें। तेरह का पहाड़ा है तेरह एकम तेरह, तेरह दो छब्बीस, तेरह तीन उनचालीस, तेरह चौक बावन, तेरह पंजो पैंसठ, तेरह छक्की अठहत्तर, तेरह सात इक्यानवे, तेरह नम्मी एक सौ चार, तेरह आठ एक सौ चार, तेरह नमाकी एक सौ सत्रह, तेरह दावे एक सौ तीस। नौ का पावड़ा नौ एकम नौ, नौ दो अठारह, नौ तेरी सत्ताईस, नौ चौका छत्तीस, नौ पंजो पैंतालीस, नौ छकानी चौवन, नौ सात तिरसठ, नम्बे आठ बहत्तर, नम्बे नम्बे इक्यासी, नौ दए नब्बे। अब इसमें घटाव करेंगे, तेरह में से नौ गया तो यहाँ बचेगा चार, चार का पहाड़ा बन जाएगा। छब्बीस में से अठारह गया आठ, उनचालीस में से सत्ताईस घटाएंगे बारह, बावन में से छत्तीस घटाएंगे सोलह, पैंसठ में से पैंतालीस घटाएंगे बीस, अठहत्तर में से चौवन घटाएंगे चौबीस, इक्यानवे में से तिरसठ घटाएंगे यहाँ अट्ठाईस, एक सौ चार में से बहत्तर घटाया बत्तीस, एक सौ सत्रह में से इक्यासी घटाया छत्तीस, और एक सौ तीस में से नब्बे घटाया चालीस। चार का पहाड़ा बन गया ये था कार्यपत्रक अट्ठावन। कार्यपत्रक उनसाठ, कक्षा में पांच दरियां हैं, एक दरी पर पांच बच्चे बैठ सकते हैं, तो कक्षा में कुल कितनी दरी, कितने बच्चे दरी पर बैठ सकते हैं? पांच दरियां हैं, एक दरी पर पांच बच्चे, तो कुल पच्चीस बच्चे बैठ सकते हैं दरी पर। दूसरा प्रश्न, सहिबा फूल के तीन गुच्छे लेकर आई और प्रत्येक गुच्छे में चार फूल हैं, बताइए सहिबा के पास कुल कितने फूल हैं? तीन गुच्छे प्रत्येक में चार फूल, तो कुल होंगे बारह फूल। एक रेल के डिब्बे में आठ पहिए हैं, तो छह डिब्बों में होंगे आठ, आठ छंग अड़तालीस पहिए। एक किताब में चौंसठ पन्ने हैं, आठ किताब होंगे, आठ से गुणा करो, अड़तालीस उनचा पचास इक्यावन, पाँच सौ बारह पन्ने। प्रश्न नंबर पाँच, विद्यार्थी की छह कतारें हैं और प्रत्येक कतार में सत्रह विद्यार्थी हैं, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सत्रह इंटू छः एक सौ दो,
विद्यार्थी होंगे यहाँ। प्रश्न नंबर 6, सविता ने 12 टाइलों को इस तरह जमाया, यहाँ जमाई गई टाइलों को देखकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ 12 टाइल इस प्रकार जमाई, 6 6 की 2, 12 × 12 = 2 × 6, 2 2 की 6 और 4 4 की 3 टाइल, 4 3 12। ये था कार्यपत्रक 59। कार्यपत्रक 60 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 6 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को मिलेगी 6 में 3 का भाग दिया 2 रोटी। इसी प्रकार 6 पेन को 2 बच्चों में बराबर बांट सकते हैं, 6 में 2 का भाग दिया 3 पेन, प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे यहाँ 3 3 पेन। इसी प्रकार माँ चिड़िया 12 दाने लेकर आई, इन्हें 4 बच्चों में बांटना है, 12 का भाग देंगे 4 में, तो प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे 3 दाने। 6 केले को 3 बंदरों में बांटना है, केले हैं 6, बंदर हैं 3, प्रत्येक को मिलेंगे 2 केले। इतना कार्यपत्रक 56 57 58 59 60 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।